जिला कलेक्टर आवास के सामने वर्षों से लीकेज की समस्या का समाधान आखिरकार सोमवार को हुआ। जिला कलेक्टर द्वारा नगर परिषद, जलदाय विभाग व RUIDP को संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर समस्या समाधान के निर्देश दिए गए थे। RUIDP ने लीकेज पाइप को दुरुस्त किया। पिछले कई दिनों से खोदे गए बड़े गड्ढे को भी सोमवार को बंद किया गया। गड्ढा बंद होने के बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। बाड़मेर जिला कलेक्टर आवास के सामने वर्षों से लीकेज की समस्या का समाधान आखिरकार सोमवार को हो ही गया। यहां लंबे समय से पाइपलाइन में लीकेज की वजह से सड़क की हालत बिगड़ी हुई थी, तो रोजाना सड़क पर गंदा पानी भरा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस अवधि में कई कलेक्टर आए और चले भी गए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते थे कि गंदा पानी कलेक्टर आवास में भी घुस जाता था। आखिरकार सोमवार को इस समस्या का समाधान हुआ। इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा नगर परिषद, जलदाय विभाग एवं RUDP को संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर समस्या के समाधान के निर्देश दिए थे। तीनों ही विभागों की संयुक्त टीम ने पहले समस्या को आइडेंटिफाई किया, जिसमें RUDP की पाइप लाइन लीकेज पाई गई। सोमवार को RUDP की टीम ने लीकेज पाइप को दुरुस्त किया। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से खोदे गए बड़े गड्ढे को सोमवार को पाट दिया गया। गड्ढा बंद होने के बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। जिला कलेक्टर आवास के बाहर गंदा पानी बहने की समस्या का आखिरकार सोमवार को RUDP ने समाधान कर ही दिया। RUDP की टीम ने लीकेज पाइप लाइन को दुरुस्त किया। इसके बाद क्षतिग्रस्त सड़क को मरम्मत कर समस्या का समाधान किया।